फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएसएफ जेई 2022 के रिजल्ट के ऊपर। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप सभी का जो एग्ज़ाम हुआ है बीएसएफ जेई का, ये एग्ज़ाम आज सभी को हुआ था 7 अगस्त को, और जो कि अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। और लड़के बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से रिजल्ट कब आएंगे, और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। देखिए, हम इस पर वीडियो बनाने के मूड में नहीं थे क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया था इसके रिजल्ट का, लेकिन आप सबके इतने कमेंट की वजह से हमें वीडियो बनाना पड़ रहा है। और जो भी चीज़ हम देखिए बताएंगे वो ऐसे ही फर्जी नहीं बताएंगे, आपको कुछ प्रूफ दिखाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। कि फ्रेंड, पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है। मतलब हम कर कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को, कट ऑफ को देखे हैं, उस बेसिस पे आप सबको इस बार भी उसी का कंपेरिजन करके बताएंगे। कहने का मतलब ये है, प्रीवियस इसके पहले जो बीएसएफ जेई मतलब बीएसएफ पे एग्जाम हुए थे, वो एग्जाम कब हुए थे, कितने दिन के बाद रिजल्ट आए थे, और कितना कट ऑफ गया था बीएसएफ जेई का एसआई में, तो वो सब सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्रोम पर। देखिए फ्रेंड्स, ये बात आपको भी पता होती है, कोई भी जब भी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो नहीं बनाते हैं, एक्सपेक्टेड वीडियो बनाते हैं। फिलहाल एक्सपेक्टेड वीडियो बनाते नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी कितने निगेटिव कमेंट आते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, इस वजह से एक्सपेक्टेड वीडियो बनाने का मन बिल्कुल नहीं करता। लेकिन आप सबके इतने कमेंट आए थे, इस वजह से आपको बनाना पड़ रहा है। लेकिन जो भी चीज़ हम बताएंगे आप सबको प्रूफ के साथ बताएंगे, फर्जी अपने मन से एक भी बातें नहीं बताएंगे, चीज़ों के एनालिसिस करते हैं, तभी चीज़ों को आप सबके सामने लाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्रोम पर, जो भी चीज़ें हम देख पाए हैं आप सबको दिखाते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप सबको समझाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम हैं क्रोम पर, और यहाँ पे मैंने ये सर्च किया था बीएसएफ जेई रिजल्ट अपडेट 2022 के बारे में। तो यहाँ पे 2022 में बीएसएफ का दो एग्जाम हुआ था, एक जनवरी के मंथ में हुआ था और आप सभी का अगस्त में हुआ था, जो कि आप सभी पेपर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएसएफ जेई रिजल्ट 2022 रिलीज नाउ। तो हमने जब इसको देखा तो लगा, अरे यार रिजल्ट मतलब रिलीज हो गया। तो फिर जब चीज़ों के एनालिसिस किए तो पता चल पाया कि हाँ, ये जनवरी का रिजल्ट है। और आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे इस पे बीएसएफ जेई 2022 इलेक्ट्रिकल सिविल एसआई वर्क्स कट ऑफ मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पे सारी चीज़ें देख पाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट फेज का वो 6 जनवरी को हुआ था, और सेकेंड फेज डॉक्यूमेंट पीएसपी या पीईटी डेट फ्रॉम 25 मार्च 2022। तो आप ये गैप देख रहे हैं, 6 जनवरी से लेकर के 25 मार्च को रिजल्ट आउट किया गया है, ठीक है। मतलब 6 जनवरी एग्जाम हुआ था और 25 मार्च को फर्स्ट फेज का रिजल्ट आउट किया गया था, ठीक है, सेकेंड फेज पे जाने के लिए। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, 6 जनवरी से काउंट कीजिए 25 मार्च तक, मतलब नियर अबाउट आप सभी का अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ हो रहा है, ठीक, 3 मंथ हो रहा है, ठीक। अभी ये बताने का तात्पर्य हमारा बस ये है कि आप सभी एग्जाम कितने तारीख को हुआ था, 7 अगस्त को हुआ था, ठीक है। अब इसमें आप 3 मंथ ऐड कीजिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो 6 जनवरी और 25 मार्च है, इसके बीच का जो ड्यूरेशन है नियर अबाउट ऑफ सबका 2 मंथ 10 दिन के अप्रॉक्सीमेट है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आप ऐड कीजिए, 7 अगस्त में 2 मंथ 10 दिन ऐड कर दीजिए, मान के चलिए आप सभी का। अब जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, देखिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं, फिर से हम करते रहे, जो पिछले बार हुआ है जैसा 6 जनवरी से लेकर के 25 मार्च को रिजल्ट आया था, 2 महीने 10 दिन नियर अबाउट लगा है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे भी बता रहे हैं कि नियर अबाउट आप सभी का इतना दिन लग सकता है। शायद इसी की वजह से अभी तक रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना गैप लेता है आने में। तो 7 अगस्त से मान के चलिए आप सभी का अक्टूबर के 15 तारीख से लेकर के अक्टूबर की 30 तारीख तक मे बी रिजल्ट आ जाए, ये बात हम सिक्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं फ्रेंड्स। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, जो भी पीछे हुआ है उस चीज़ को एनालिसिस करके हम बता रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि 15 से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट आ सकता है। बाकी फ्रेंड्स, आपको अगर बुरे कमेंट करने हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा ऐसा करते हैं, तो आदत हमारी भी पड़ चुकी है। लेकिन आपके कमेंट की वजह से हमको लगा शायद इस पर वीडियो बनाना चाहिए, हो सकता है मे बी आपको कुछ संतुष्टि मिले और आपको कुछ चीज़ें पता चल पाए। और रही बात कट ऑफ की, तो थोड़ी अब लास्ट में आप कट ऑफ भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएसएफ एसआई वर्क एंड जेई इलेक्ट्रिकल कट ऑफ मार्क 2020-19।
तो यहाँ पे देखिए सभी कैटेगरी के कट ऑफ मेंशन है। जनरल का कट ऑफ गया है, एसआई वर्क कट ऑफ गया है 121, एसआई जे इलेक्ट्रिकल कट ऑफ गया है 137, ओबीसी में एसआई वर्क कट ऑफ गया है 112, एसआई जे इलेक्ट्रिकल कट ऑफ गया है 133, एससी में 110, 118 ठीक, एसटी में एसआई वर्क कट ऑफ गया है 116 और एसआई जे इलेक्ट्रिकल कट ऑफ गया है 125। तो कहने मतलब आप सभी जानते हो कि आपसे का पेपर हुआ था 200, जिसमें कि 100 नंबर हुआ था सीबीटी टेस्ट और 100 नंबर हुआ था रिटेन टेस्ट, जो कि लड़के बोल रहे थे पेपर काफ़ी आसान था। तो अब बोल रहे थे कि कट ऑफ जाएगा 160, 170 ऐसे सभी बोल रहे थे, लेकिन देखिए पिछली बार हुआ क्या है कि कट ऑफ 137 मैक्सिमम गया है जनरल वालों का, ओबीसी का 133 और एससी का 118 और एसटी का 125। तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है 150 प्लस जाना, बहुत जाएगा तो 150 तक जाते जाते जनरल की बात कर रहे हैं रुक जाएगा ठीक। ओबीसी का भी नियर अबाउट इसी के अप्रॉक्सीमेट रहेगा, तो वो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो नहीं बनाने वाले हैं, नहीं तो आपके और भी निगेटिव कमेंट आएंगे, तो वो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता ठीक। और बाकी आप 2017-18 के भी कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे, जनरल का 131, ओबीसी का 124, एससी का 108, एसटी का 114। देखिए लगता होगा आपको पेपर आसान गया, लेकिन हम मानते हैं कि आपको सीबीटी में मतलब नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको रिटर्न हुआ है ना वो पेपर भले आसान गया लेकिन वहाँ पर देखना आपको मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, वही कट ऑफ डाउन कर देता है ठीक। तो ये रेफरेंस आज का वीडियो, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं प्लीज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है अच्छे कमेंट किया करिए, निगेटिव कमेंट करते हैं तो हम भी डिमोटिवेट होते हैं, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। देखिए जो भी चीज़ें बताएं अपने मन से नहीं बताएं, चीज़ों के एनालिसिस करने के बाद ही बताएं, इसलिए आपको विद प्रूफ के साथ दिखाएं यहाँ पर ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट के साथ। बताना चाहूँगा अगर आप इस चैनल पहली बार थे, इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे थे, खासकर टेक्निकल स्टूडेंट हो करके, मतलब आपने आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक कहीं से भी किसी भी ब्रांच से कर रखा है और आप चाहते हैं कि आप सभी तक ऑल इंडिया रिलेटेड कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट है आप तक इन्फॉर्म होती रहे, आप तक सारी चीज़ें ए टू जेड पहुँचती रहे, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो आपके फ्रेंड्स इस फील्ड से जुड़े हैं, कहीं अगर टेक्निकल वैकेंसियों की तलाश में है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट के लिए ठीक। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई एनर्जी के साथ। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।